everyone, welcome to my channel. My name is Kirti. I hope you all are doing great. This is my first vlog. शायद मेरी शक्ल देख के लग रहा होगा नहीं लग रहा होगा, I don't know, but मैं बीमार हूँ. But still I'm shooting this vlog for you guys, क्योंकि मुझे बहुत टाइम से कॉमेंट्स आ रहे थे कि आप व्लॉग भी बनाइए, व्लॉग डालिए. सो हियर आई एम. एक्चुअली अभी मैं बॉम्बे ले ओवर पर हूँ. आज मैंने 3 sectors ऑपरेट किए. सुबह सुबह 3:30 बजे उठी थी और अभी करीब 4, 4:30 हो रहे हैं. और बहुत टाइम हो गया है, सिर्फ 2.5 घंटे सोई थी या 3 घंटे सोई थी. तो बॉम्बे पहुँचे हम 1:30 बजे. नीचे होटल में से बुफे करके ही मैं ऊपर आई. आई टुक शावर, आई गॉट फ्रेशन अप एंड नाउ आई एम टॉकिंग टू यू गाइस. लेट्स सी, अभी तो बाहर बारिश हो रही है. बिल्कुल बीच के साथ हमें होटल मिला. आई थॉट कि मैं बीच में जाऊंगी नीचे, बट अभी बारिश हो रही है तो अभी कोई मतलब नहीं बनता. आई होप थोड़ी देर में बारिश ठीक हो जाए. आई विल गो एंड देन आई विल शेयर दिस एक्सपीरियंस विद यू ऑल. आई एम सो एक्साइटेड, क्योंकि मुझे बॉम्बे लेवर बहुत टाइम बाद मिला है. एंड टुमारो आई विल बी गोइंग टू बैंगलोर. सो लेट्स सी, जितना भी मुझसे शूट हो पाया, जैसे भी हो पाया, आई विल डेफिनेटली शेयर इट विद यू गाइज. बेयर विद मी सिंस दिस इज माई फर्स्ट व्लॉग. And I hope you guys like it. Pro तो नहीं हूँ, but धीरे धीरे definitely सीख जाऊंगी. So here I will give you guys a quick room tour, not so quick actually. So this is the entrance and here I am. ये हमारा मेरा वॉशरूम है. अभी अभी नहा के आई थी तो ये थोड़ा ऐसा हुआ हुआ है, don't mind. And then here we go towards my room. इट इज़ अ डिसेंट रूम. बॉम्बे में हमें जो होटल मिलता है, आई लाइक द रूम स्पेशली. आई लव द फूड. सो दिस इज़ द रूम. आई वॉज स्टेइंग अलोन इन दिस रूम. हाउएवर आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ कंपनी विच डिड नॉट कम. सो आई वॉज ऑल अलोन इन माई रूम देर. नॉर्मली हमें बीच व्यू मिलता है अपनी विंडो से, बट दिस टाइम आई वॉज नॉट सो लकी. बीच व्यू नहीं था, ये था व्यू. आप अगर देख सकते हो तो आपको दूर से थोड़ा थोड़ा बीच का व्यू दिख रहा होगा और बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा. सो दिस वॉज इट. हाय गाइस, मैं बस अभी सो के उठी हूँ. 10 मिनट हुए हैं और 7:00 ऑलमोस्ट हो गए हैं. मुझे पता ही नहीं चला मैं कब 1 घंटा ज़्यादा सो गई. और मैंने क्योंकि 6 बजे का अलार्म लगाया था, मुझे लगा था कि मैं टाइम पे जाऊँगी बीच पे कि बिल्कुल अंधेरा ना हो जाए. अंधेरा तो अभी भी नहीं हुआ है, बिल्कुल मेरे पीछे बीच है. नाउ आई एम लीविंग फॉर बीच एंड आई एम अलोन, क्योंकि अभी मेरे सारे रूममेट्स दे आर नॉट कॉन्टैक्टेबल. मे बी सो रहे होंगे, थक गए होंगे, आई डोंट नो. सॉरी नॉट रूममेट्स बट माई कॉलीग्स. एंड आई विल टेक यू गाइज अलॉन्ग विद मी. लेट्स गो. मैं बस नाइट सूट में ही जा रही हूँ. आई एम नॉट चेंजिंग माई क्लोथ्स. सो लेट्स गो. सो सॉरी फॉर लाइटिंग गाइज, बट सी हाउ मच आई एम एंजॉइंग. क्योंकि वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा था. मुझे लगा था कि गर्मी हो गई, बट गर्मी बिल्कुल भी नहीं थी. बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रही थी. और ये है जुहू चौपाटी, जहाँ पे हमने नारियल पानी पिया, चाय पी, वॉक की, बहुत सारी बातें करी और बहुत इंजॉय किया. गणपति विसर्जन मैंने फर्स्ट टाइम देखा. और ये रहा मेरा नारियल पानी जिसको मैंने इन्जॉय किया. बॉम्बे की वाइब ही बिल्कुल अलग है, स्पेशली जब मैं जुहू बीच में आती हूँ. इट्स वेरी मेस्मराइजिंग. हमें जो चंडीगढ़ में रहते हैं, हमें बीच कहाँ डेली देखने को मिलता है. एंड लुक एट द व्यू गाइस, पीपल वर इन्जॉइंग. गणपति विसर्जन साथ के साथ चल रहा था. एंड स्ट्रीट फूड यहाँ का बहुत ज़्यादा अच्छा है. जब भी आप आओ तो ट्राई करो. मेरी तो तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने सिर्फ चाय पी और नारियल पानी पिया. और ये देखिए, पीपल आर सो टैलेंटेड. इन्होंने रेत से, सैंड से ये शिवजी भगवान की मूर्ति बनाई हुई थी यहाँ पे. एंड हियर आई एम एंजॉयिंग द टी.
और फर्स्ट टाइम मैं बॉम्बे की स्ट्रीट पे निकली हूँ, हमें कुछ सामान लेना था। और बॉम्बे की गलियों की भी अपनी एक अलग वाइब है। सीरियसली लव्ड द एक्सपीरियंस। हेलो गाइस, आई एम बैक। बीच से 2.5-3 घंटे तो आराम से मैं स्पेंड करके आई हूँ बीच पे, और सच में बहुत मज़ा आया। बहुत टाइम बाद एक तो बॉम्बे आई थी, ऊपर से मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे बॉम्बे में जुहू बीच की चाय पी, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। एंड फर्स्ट टाइम मैंने बॉम्बे की स्ट्रीट मार्केट थोड़ी सी एक्सप्लोर करी। मेरी कॉलीग को कुछ सामान लेना था, उसी बहाने मतलब हमने आधा पौना घंटा स्ट्रीट मार्केट यहाँ के घूमे। इट वॉज गुड एक्सपीरियंस, अच्छा एक्सपीरियंस था। तो बस अभी मैं रूम में आई हूँ, कुछ लेना था मुझे, और अभी मैं दोबारा नीचे जा रही हूँ बुफे में, डिनर करके आऊँगी। एंड देन आई विल सी यू गाइस अगेन। बाय। दिस वॉज माई डे इन बॉम्बे। आई होप यू गाइज लाइक इट। मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आई थिंक मुझे इस आउटिंग की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जबकि ये मेरी ऑफिशियल आउटिंग है, बट आई रियली इन्जॉयड इट। क्योंकि काफ़ी टाइम से अंदर ही अंदर मुझे घर के अंदर अजीब हो रहा था। आई मीन मैं फ्लाइट्स के लिए जा रही थी, बट देन आई वॉन्टेड सम काइंड ऑफ चेंज इन माई लाइफ, एंड दिस वॉज इट। रिफ्रेश फील कर रही हूँ बहुत ज़्यादा। एंड कल मेरी फ़्लाइट है शाम को। अभी भी मेरे पास काफ़ी टाइम है यहाँ पे, मोर देन 12 आवर्स का लेओवर अभी भी मेरा रहता है। बट आई वुड लाइक टू एंड दिस व्लॉग हियर, अदरवाइज ये बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा। मैं आप लोगों को बोर नहीं करना चाहती। आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।